फ्रेंड, वेलकम टू टॉपर कैफे यूट्यूब चैनल। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एमटीएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और इसी के साथ साथ हम जो है एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की और भी वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हमने पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो अगर एसएससी एमटीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए, ताकि इस तरह की वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए आज की इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। और ये रहा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट अरब रूलर हु कॉन्कर्ड सिंध वॉज, एसएससी एमटी 2013 का एक क्वेश्चन है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 अल हवाद, ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन कासिम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था, अरब का शासक था, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। उस समय जो सिंध का शासक वो कौन था? दाहिर था। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? एसएससी एमटीए 2013 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है तराइन का 1191 का युद्ध, तराइन का 1192 का युद्ध, चंदावर का 1193 का युद्ध, या फिर रणथंभौर का 1195 का युद्ध। तो किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था? वो तो तराइन का 1192 वाला युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देख सकते हैं आप 1191 में जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू प्रेजेंट दौलताबाद, दौलताबाद इज लोकेटेड नियर, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? एसएससी एमटीएस 2014 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है मैसूर, ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 3 निजामाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद। औरंगाबाद के पास ही जो है दौलताबाद है, और देख सकते हैं आप सही का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दौलताबाद जो है औरंगाबाद के पास है, जो महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और दौलताबाद को पुराना नाम क्या था? देवगिरी था, और इसी जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया वॉज, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक लेवल 2017 और एमटीएस 2014, दो बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है इसके बाबर, ऑप्शन नंबर 2 बालबन, ऑप्शन नंबर 3 उमर शेख, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं। तो इसका सही आंसर क्या है, कौन था मुगल का पहला शासक इंडिया में? वो था बाबर। बाबर ने 1526 में जो लोधी वंश के आखिरी जो शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको हराया था, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल सल्तनत की शुरुआत भारत में हुई थी। बाबर को हम जहीरुद्दीन मुबारक बाबर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट इन द ईयर, कनौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? एसएससी एमटीए 2014 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 1540 में, ऑप्शन नंबर 2 1545 में, ऑप्शन नंबर 3 1526 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1539 में। तो कब लड़ाया गया था कनौज का युद्ध? कनौज का युद्ध ऑप्शन नंबर 1 1540 में लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक है, पहला युद्ध लड़ा गया था जो बैटल ऑफ चौसा था, वो था, वो भी हुमायूं शेर खां और हुमायूं के बीच में 1539 में लड़ा गया था। इसके बाद एक और जो 1540 में था, वो था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच। इसमें जो है शेर शाह ने दिल्ली पर हुकूमत हासिल कर ली थी और हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था काबुल। इनकी शादी वहाँ उमरकोट में पाकिस्तान में हुई थी, और
अकबर भी 1542 में इसी दौरान पैदा हुए थे। फिर 1555 में बैटल ऑफ सरविंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में इन्होंने दोबारा से ये पावर में, इंडिया में, दिल्ली में दोबारा से पावर में ये आ गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मोती मस्जिद इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आगरा, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। तो कहाँ है मोती मस्जिद? मोती मस्जिद ऑप्शन वाइज देखे तो आगरा में है यहाँ पर, ठीक है। मोती मस्जिद जो है, दो मोती मस्जिद है, एक है दिल्ली में जो लाल किले में है और एक है आगरा के किले में। आगरा के किले वाली जो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, और जो मोती मस्जिद जो लाल किले में बनाई गई है, वो औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? SSC MTS 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आजम, ऑप्शन नंबर 2 कामबख्श, ऑप्शन नंबर 3 अकबर सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मुअज्जम। तो कौन थे औरंगजेब के उत्तराधिकारी? वो थे मुअज्जम, ऑप्शन नंबर 4, जिनको हम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, मुअज्जम। मुअज्जम का नाम है क्या है? बहादुर शाह। बीबी का मकबरा इज सिचुएटेड इन। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जौनपुर। तो कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बनाया किसके द्वारा गया था ये बीबी का मकबरा? ये बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा अपनी बीवी बानो बेगम, या फिर उनका नाम था रपिया उर दौरानी, उनकी याद में ये बनाया गया था। और इसको जो है ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ताजमहल के ही जैसा है, पर ये एक ताजमहल की इसको नकल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा किंग फॉट विद ब्रेवरी विद औरंगजेब। उस मराठा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शन है शाहजी भोसले, बाजीराव सेकंड, शिवाजी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 साहू। तो कौन थे वो मराठा राजा जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे? जब भी औरंगजेब का नाम याद आए तो शिवाजी हमेशा याद करना, कि शिवाजी ने बड़ा इनको क्या कहते हैं ना, दांतों चले तले चने चबा देना, वो किया था। कभी जिंदगी भर ये पकड़ में नहीं आए, और बहुत से मतलब औरंगजेब ने बहुतों को ड्यूटी लगा दी थी। जैसे कि इन्होंने जयसिंह को एक बार भेजा औरंगजेब को पकड़ने के लिए 1665 में। यहाँ शिवाजी हार भी गए थे, और इसके बाद इस जो है ट्रीटी ऑफ पुरिंदर यानी पुरिंदर की संधि हुई थी 1665 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय औरंगजेब टू डिफीट शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? अरे मैंने बताया था आपको पिछले ही उसमें। तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर 1 राजा जसवंत सिंह थे, ऑप्शन नंबर 2 राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राजा भगवान दास, या फिर ऑप्शन नंबर 4 राजा जयसिंह। इनमें से कौन थे? इनमें से जो इनको भेजा था वो थे राजा जयसिंह, जिन्होंने शिवाजी को हरा भी दिया था। और उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? ट्रीटी ऑफ पुरिंदर 1665 ये साइन हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। औरंगजेब सेंट विच जनरल इन ऑर्डर टू कैप्चर शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 2 अफजल खान, ऑप्शन नंबर 3 मलिक कफूर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 साहिस्ता खान। तो किस जनरल को उन्होंने भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए? वो था ऑप्शन नंबर 4 साहिस्ता खान। साहिस्ता खान पकड़ नहीं पाए थे, पर इनके जो कुछ मेजर जो किले थे जैसे कि पूना, चाकन और कल्याण, इनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था शाहिस्ता खान ने। पर एक रात जो 1663 यानी कि 1663 की एक रात में शिवाजी ने इनको पर अटैक कर दिया था, इनके पुत्र को मार डाला था, पर शाहिस्ता खान जो है बचकर भाग गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन किंग वेलकम वास्को डी गामा व्हेन ही रीच्ड द कोस्ट ऑफ कोलकाता इन 1498। SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कोलकाता आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर 1 असफ शाह इस्माइल मुल्क, ऑप्शन नंबर 2 देव राय, ऑप्शन नंबर 3 जेमोरिन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण देव राय। तो कौन थे वो जिन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था? वो थे जेमोरिन, ऑप्शन नंबर 3। जब वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते होते हुए 1498 में कलकत्ता के तट पर पहुंचे थे, जेमोरिन जो भारत के जो राजा थे उन्होंने इनका स्वागत किया था।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु डिस्कवर्ड द सी वे टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर 2 अमूद सेन, ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टोफर कोलंबस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जॉन कबाउट। तो किसने करी थी सी वे की खोज केप ऑफ गुड होप के रास्ते? वो थे वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आए थे। इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप के रास्ते इंडिया के लिए समुद्री रास्ते की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केप ऑफ वास्को डी गामा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू रीच एंड लास्ट टू लीव इंडिया? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, कौन विदेशी थे वो? एसएससी एमटीए 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके पोर्टुगीज, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिशर्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डच। सही आंसर है इसका पोर्टुगीज। 1498 में जो सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, ठीक है, वो थे वास्को डी गामा, और 1961 में ये लोग भारत छोड़ के गए थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए पोर्टुगीज सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द खालसा पंथ वॉज इस्टेब्लिश बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1599, ऑप्शन नंबर 2 1699, ऑप्शन नंबर 3 1707, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1657। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 1699। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में। ठीक है, इस दिन उन्होंने जो पांच प्यारे थे उनको अमृत पार करवाकर खालसा बनाया तथा उसके बाद उन पांच प्यारों के हाथों स्वयं भी अमृतपान किया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो वो सिखों के 10वें गुरु थे और सिख धर्म के वो अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो है उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों की रिलीजियस बुक है, उनको ही गुरु मान लिया था और उसी की वाणी को ये फॉलो करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु फॉर्म्ड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? एसएससी एमटीए 2014, स्टेनोट 2012 और सीएचएसएल 2011। तीन बार एक क्वेश्चन पूछा गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन है इसके दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर केशव चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 राम मोहन रॉय, या फिर ऑप्शन 4 विवेकानंद। सही आंसर क्या है इसका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी ऑप्शन नंबर 4 विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। कब? 1896 और 97 में इन्होंने इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु एस्टेब्लिश एशियाटिक सोसाइटी इन इंडिया एट कोलकाता? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन नंबर 1 विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 2 ए ओ ह्यूम्स, ऑप्शन नंबर 3 राजा रवि वर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन। तो किसने करी थी इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी इन इंडिया कलकत्ता में? वो थे ऑप्शन नंबर 1 विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी इन इंडिया एट कोलकाता की स्थापना करी थी 1784 में। ठीक है, और इसका इसमें क्या होता था कि जो प्राच विद्या सिखाई जाती थी, मतलब कि पूर्वी और जो सुदूर पूर्वी के जो समाज हैं उनकी संस्कृतियाँ हैं, उनकी भाषा है, उनके लोग और उनकी इतिहास और उनकी जो पुरातत्व है उनका अध्ययन इसमें किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है उन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फिर इंडियन रेनेसेंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हु वाज द फर्स्ट टू असेस नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है इसके महलनोबिस, ऑप्शन नंबर 2 दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 वी के आर वी रॉय, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और दादाभाई नौरोजी जी को है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का वो पहले भारतीय सदस्य थे और इन्होंने ही
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करी थी और इनको जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने ये दर्शाया गया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन जो है भारतीय धन को लूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी इज अ हाफ नेक्ड फकीर हु सेड दिस। महात्मा गांधी अर्थनगन फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? एसएससी एमटीएस 2013 का एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेवेल या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लिथगो। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने यह उक्ति दी थी कि महात्मा गांधी एक हाफ फकीर है, यानी कि अर्धनग्न फकीर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ लेडी लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? जिनको हम लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं वो है क्या? वो ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरेंस नाइटिंगल, ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर 4 मायावती। तो किनको जानता है लेडी विद द लैंप के नाम से? वो है ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरेंस नाइटिंगल। फ्लोरेंस नाइटिंगल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी टिल 1933। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? एसएससी एमटीएस 2013 का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है सर्वोदय, ऑप्शन नंबर 2 आर्य, ऑप्शन नंबर 3 टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर 4 यंग इंडिया। तो कौन सा वो अखबार था जिन्होंने जिसको 1933 तक गांधी जी ने संपादित किया था? उस अखबार का नाम था ऑप्शन नंबर 4 यंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मत देखना, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, यंग इंडिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु रोड द फेमस प्ले नीलादर्पण विच डिस्क्राइब द एट्रोसिटीज ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? एसएससी एमटीए 2013 का एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 दीन बंधु मित्र या फिर ऑप्शन नंबर 4 सुब्रमण्यम भारती। तो किसने ये प्ले लिखा था? तो वो प्ले जो नीला दर्पण है वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर 3 दीन बंधु मित्र द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या होता है, नील की खेती करने वाले जो थे उन्होंने उनके विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला जो नाटक जो नील दर्पण था वो दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। ये विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1859-60 के बीच में। ठीक है, तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी आर वॉज गिवन सेंटेंस टू डेथ बाई द ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? एसएससी एमटीए 2011 का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है जतिन दास, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 3 राजगुरु या फिर ऑप्शन नंबर 4 कल्पना दत्त। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजगुरु। ठीक है, राजगुरु को जो है इन्होंने फांसी दी थी भगत सिंह के संग। ठीक है, चंद्रशेखर आप जानते हैं इन्होंने जब ये पकड़े जाने लगे तो इन्होंने अपने आप को शॉर्ट कर दिया था। कल्पना दत्त जी ने भी यही किया था। ठीक है, और जतिन दास जो है नहीं जो है आम अनशन पर चले गए थे भूख भूख में और इसी दौरान भूख के कारण की मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर इसका क्या है? राजगुरु। सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव इन सब के संग ही राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर, कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय इन्होंने स्वयं को गोली मार दी थी और जो जतिन दास जो है लंबी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 3 लाला हरदयाल या फिर ऑप्शन नंबर 4 बटुकेश्वर दत्त। एसएससी एमटीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी के अंत में जो है बहुत से जो भारतीय हैं वो अमेरिका चले गए थे, वहीं पर 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सांस्कृतिकों में गदर पार्टी का गठन किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और इन्होंने ही इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई एज द इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था?
एसएससी एमटीएस 2013 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे वो पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था? वो थे ऑप्शन नंबर 2 सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये थे पहले भारतीय। और दूसरे भारतीय जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे। देख सकते हैं आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में सिविल सर्विस में चुने गए थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो 1869 में चुने गए थे, और ये दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच वायसराय पीरियड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 2 वेनेजली, ऑप्शन नंबर 3 वेवल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 माउंट बेटन। तो किसके वायसराय काल में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में? वो थे ऑप्शन नंबर 4 माउंट बेटन। माउंट बेटन के पीरियड में ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड मिंटो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एसएससी एमटी 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 आचार्य नरेंद्र देव, और या फिर ऑप्शन नंबर 4 राम मनोहर लोहिया। तो किसने करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? वो थे ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या हुआ था कि 1939 में जो है त्रिपुरी का कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस समय जो है गांधी जी के साथ इनके मतभेद होने के कारण इन्होंने जो है पद त्याग दिया था, और उसके बाद इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑन अप्रैल 12, 1944 सुभाष चंद्र बोस हैड फ्लैग द इंडियन नेशनल आर्मी फ्लैग इन अ सिटी, विच सिटी इज इन दिस स्टेट यूनियन टेरिटरी एट दिस टाइम। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? SSC MTA 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। तो वो जगह कहाँ है? वो जगह इस समय ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर में, मणिपुर में वो जगह है। और जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है मोईरांग, जो मणिपुर राज्य में एक शहर और नगर परिषद है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने INA का झंडा फहराया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसी जगह, उस समय जो है मोईरांग जो है INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो है मुख्यालय था, और उस समय जो कर्नल थे INA के शौकत मलिक ने, इन्होंने ही मणिपुरियों की मदद से 14 अप्रैल 1944 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एसएससी एमटीए 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 3 AO ह्यूम्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोकमान्य तिलक। तो कौन थे INC के संस्थापक? वो थे ऑप्शन नंबर 3 AO ह्यूम्स। AO ह्यूम्स जो है INC के संस्थापक थे, और सबसे पहले जो इन्होंने 1884 में जो है एक संघ बनाया था, वो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना इन्होंने करी थी, और यही आगे जाकर को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानना जाने लगा। 1885 में एक सम्मेलन होने वाला था पुणे में इसी संघ का, जो आगे जा करके बम्बई में हुआ था। ठीक है, जो INC का पहला जो अधिवेशन था वो हुआ था 28 अप्रैल 1885 में, जहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट थे वो थे ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, और जो महासचिव थे वो थे AO ह्यूम्स। AO ह्यूम्स में ही INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? SSC MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 3 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें से किस मूवमेंट का हिस्सा महात्मा गांधी नहीं थे?
इन्होंने मतलब इन्होंने इसमें तर्क नहीं किया था, वो है ऑप्शन नंबर टू, स्वदेशी मूवमेंट। ये हो गया था महात्मा गांधी जी के आने से पहले 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन के टाइम जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, तो उस समय यह स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और जब ये विभाजन हुआ था उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, और राष्ट्र और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने इस दिन को राखी के रूप में भी बनाया था। ठीक है, अब जो कुछ जो मूवमेंट जिन्होंने जिनपे महात्मा गांधी जी ने अपना नेतृत्व दिया था वो थे असहयोग आंदोलन 1920 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इन सब मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन विच ईयर वॉज दी आईएनसी वॉज गेट डिवाइडेड एज दी सेंटेनरी एंड एक्सट्रीमिटीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम आर्मी और चरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल कहते हैं ना, किस वर्ष में हुआ था? SSC MTS 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1907, ऑप्शन नंबर टू 1908, ऑप्शन नंबर थ्री 1909, या फिर ऑप्शन नंबर फोर 1910। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वन 1907। 1907 में ही जो है आईएनसी का जो विभाजन नरम और गरम दल में हो गया था, सूरत का जब वो था अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसी टाइम दो हिस्सों में जो है कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। ठीक है, उस समय जो इस अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर रास बिहारी बोस, और 1916 में ये दोनों फिर से एक हो गए थे किसके प्रयासों के कारण, तिलक और बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बसंत के प्रयासों के कारण फिर से ये दोनों दल एक हो गए थे कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर टू गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर थ्री बीजी तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर फोर बिपिन चंद्र पाल। तो कौन थे से सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक, वो थे ऑप्शन नंबर टू गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन मत देखना, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर है। कब करी थी इन्होंने उसकी शुरुआत, इनकी शुरुआत इन्होंने की थी 12 जून 1905 में, इसकी स्थापना करी थी भारत सेवक समाज की। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन नंबर 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, या फिर 5 मार्च 1931। तो कब साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? ये साइन हुआ था ऑप्शन नंबर फोर 5 मार्च 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, ठीक है, ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और इनमें जो मेन पॉइंट से जो मेन कंसीडरिंग पॉइंट थे वो थे कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जो जब्त संपत्ति है उसे वापस की जाए, और जो समुद्र किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने में छूट दी जाए। ये जो थे ये इरविन गांधी इरविन पैक्ट की जो है मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। वे डिड गांधी जी लर्न दी आर्ट ऑफ सत्याग्रह इन प्रैक्टिस फॉर्म, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? SSC MTS 2011 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन आयरलैंड, ऑप्शन नंबर टू इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर थ्री स्कॉटलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर फोर साउथ अफ्रीका। तो कहाँ पे सत्याग्रह को इन्होंने अभ्यास किया था? वो थी साउथ अफ्रीका। यही की थी इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। हु क्रिएटेड द वर्ड सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर टू अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर थ्री रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर राम मोहन रॉय। तो सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन नंबर वन महात्मा गांधी जी ने, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
दो बार ही क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2011 और 13 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ऑप्शन है इसके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर टू वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर थ्री अरविंद घोष, या फिर ऑप्शन नंबर फोर लाला लाजपत राय। तो कौन थे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु? वो थे ऑप्शन नंबर वन गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के प्रभाव में आकर जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे ना, तो इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने जो है भारत की जो सक्रिय राजनीति से ये जुड़े थे। और ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। 1915 में आपको जानते ही को दक्षिण अफ्रीका से लौट के महात्मा गांधी जी वापस आए थे, और इसी दौरान जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच मूवमेंट डिड गांधी जी सपोर्टेड? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर टू कास्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर थ्री लैक ऑफ यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स, या फिर ऑप्शन नंबर फोर सिविल वॉर। तो किस मूवमेंट में को गांधी जी ने सपोर्ट किया था? वो था हमेशा जिस मूवमेंट चीज को उन्होंने सपोर्ट किया वो है अनटचेबिलिटी, यानी कि भेदभाव, दो अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता जिसे हम कहते हैं। इन्होंने गांधी जी ने इसको इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और उन्हीं के उद्धार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। वो मानते थे कि अस्पृश्यता जो है वो मानव के लिए अपराध है, और 1932 में ही उन्होंने जो है इन लोगों जो अनटचेबल्स जिनको थे उनको हरिजन नाम दिया था, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये मोमेंट एक था जिन्होंने जो अनटचेबल्स के अगेंस्ट जो इनको हमेशा गांधी जी ने अपने जीवन भर साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फुल स्वराज वर डिक्लेयर्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है कराची, ऑप्शन नंबर टू लाहौर, ऑप्शन नंबर थ्री कोलकाता, और या फिर ऑप्शन नंबर फोर कानपुर। तो किस सेशन में या फिर किस सत्र में, कांग्रेस के किस सत्र में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? वो था कांग्रेस का जो लाहौर का सेशन था उसमें ये इन्होंने घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। और कब हुआ था ये अधिवेशन? ये दिसंबर 1929 को ये अधिवेशन जो 40वां अधिवेशन था, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिड द फुल स्वराज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड? कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? इसके ऑप्शन ऑप्शन वन 1916 लखनऊ, ऑप्शन नंबर टू 1924 बेलगांव, ऑप्शन नंबर थ्री 1929 लाहौर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर 1931 कराची। तो किस सेशन में जो है ये स्वराज फुल स्वराज यानी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अभी बताया था कि पिछले ही क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थ्री 1929 लाहौर के सेशन में ही इसको जो है जो पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, हु इज रिलेटेड टू भूदान एंड सर्वोदय मूवमेंट? भूदान और सर्वोदय आंदोलन से कौन संबंधित है? SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर टू जी के गोखले, ऑप्शन नंबर फोर एम जी राणा देव, या फिर ऑप्शन नंबर फोर आचार्य विनोबा भावे। तो कौन है भूदान और सर्वोदय मूवमेंट से संबंधित? वो है ऑप्शन नंबर फोर आचार्य विनोदा भावे, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर है इसका। भूदान आंदोलन इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को जो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली से इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, दोनों आंदोलन सर्वोदय और भूदान विनोदा भावे से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब यहाँ से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू विच प्लेस? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, कहाँ के थे वो? ठीक है, SSC MTS 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वन वेनिस, ऑप्शन नंबर टू जिनोवा, ऑप्शन नंबर थ्री स्पेन, या फिर ऑप्शन नंबर फोर पोर्टुगल। तो कहाँ के थे क्रिस्टोफर कोलंबस? वो थे ऑप्शन नंबर टू जिनोवा के। इन्होंने कहाँ की खोज करी थी? इन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, कब? 1492 में इन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज करी थी। और ये जो है जिनोवा के, कोलंबस जो है जिनोवा के प्रसिद्ध नाविक थे। जन्म कब हुआ था इनका? 31 अक्टूबर 1451 जिनोवा में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 20 मई 1506 को वेलाडोलिद स्पेन में हुई थी इनकी। ठीक है,
आई होप आपने करेक्ट ये प्रोनाउंस किया हो, क्योंकि हमेशा मैं ये प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड में भूल ही जाता हूँ क्या इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सोशलिस्ट इज बेसिकली हूज मूवमेंट। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन वन इंटेलेक्चुअल्स, ऑप्शन नंबर टू पुअर पीपल, ऑप्शन नंबर थ्री मिडिल क्लास, या फिर ऑप्शन फोर द वर्कर्स। SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर वर्कर्स। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद माना जाता है कि ये वर्कर का आंदोलन है, और देख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर वर्कर्स का ही ये आंदोलन है। और समाजवाद का जो अभिप्राय है कहते हैं कि समाजवाद की डेफिनेशन वो ये है कि श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। तो ये जो है माना जाता है कि ये सोशलिज्म का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हु मेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने कराया था? SSC MTS 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है ली ताइपू, ऑप्शन नंबर टू शी हुआंग टी, ऑप्शन नंबर थ्री लाओ ताजे, या फिर ऑप्शन नंबर फोर कुनफ्यूसियास। सही आंसर क्या है इसका? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाई गई थी? ये बनाई गई थी शी हुआंग टी द्वारा। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो इसमें जो है क्यों बनाई गई थी, ये जो उत्तरी हमलावर जो नोमैड्स थे उनकी उनसे रक्षा के लिए ये जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 16वीं शताब्दी के बीच में जो है ये बनाई गई थी। और जो जो इसमें जो प्रसिद्धम हिस्सा है और ये जो है अलग अलग शासकों द्वारा बनाई थी। ठीक है, एक शासक द्वारा नहीं बनाई थी पर इसमें जो प्रसिद्धम दीवार जो है उस वो जो है 220 से 206 ईसा पूर्व के दो में प्रथम सम्राट थे किंचू हुआंग ने बनवाई थी। चीन और चीनी मिट्टी और जो चावल का वो होता है ना पानी, उसको जोड़ के जो है ये दीवार बनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फॉर व्हाट थिंग मार्को पोलो इज नोन फॉर। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? SSC MTS 2013 का क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ ग्रीनलैंड के लिए विख्यात है ये, फॉर हिज विजिट टू चाइना इंडिया एंड एशिया के लिए विख्यात है ये, टू मेक अ ट्रिप टू गुड होप केप के लिए विख्यात है ये, या फिर डिस्कवरी ऑफ कैनेडा के लिए विख्यात है ये। क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, फॉर हिज विजिट टू चाइना इंडिया एंड एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर है। मार्को पोलो को इसकी जो इंडिया चाइना और एशिया की यात्रा थी उसके लिए इनको जाना जाता है। ये इटालियन व्यापारी खोजकर्ता और लेखक थे और इनका जन्म वेनिस गणराज्य में हुआ था। ठीक है, और इनको जो है चीन भारत और एशिया में जब इन्होंने 1254 से लेकर 1320 तक जो इन्होंने विजिट्स किए थे उन्हीं के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? SSC MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन फ्रांस, ऑप्शन नंबर टू स्पेन, ऑप्शन नंबर थ्री ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर फोर जर्मनी। तो कौन सा वो कंट्री थी जो 19 शताब्दी के अंत में सबसे बड़ी औपनिवेशिक या फिर कॉलोनियल पावर बन के इमर्ज हुई थी? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ब्रिटेन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्रिटेन बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर 19 सेंचुरी के एंड में जो है ब्रिटेन वो बन चुका था। देखते क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड विच सिटी ऑफ जापान वर डिस्ट्रॉय बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये सभी जानते होंगे इसका आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? SSC MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है टोक्यो हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर टू नागासाकी मियाजाकी, ऑप्शन नंबर थ्री सेदाई हिरोशिमा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर हिरोशिमा नागासाकी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सभी को पता होगा, मेरे को पता है ऑप्शन नंबर फोर हिरोशिमा नागासाकी इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है। हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए द्वारा जो है बम गिराए गए थे। 6 अगस्त में कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और इसको जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा माना जाता है। करीब 1,20,000 के लोग जो है वो ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, वही मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कोल्ड वार इज रिलेटेड टू, शीत युद्ध का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन नंबर टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट,
पूर्व पश्चिम के बीच तनाव, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हॉस्टिलिटी, पूंजीवादी और समाजवादी वैचारिक दुश्मनी, टेंशन बिटवीन सुपर पावर्स यानी कि महाशक्तियों के बीच तनाव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबो। तो कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध जो है इन तीनों ही पॉइंट से रिलेटेड है, ऑल ऑफ दी अबोव यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्यों है बताऊंगा मैं। एक्चुअली क्या होता है कि शीत युद्ध जो पूंजीवादी थे, और जो समाजवादी यानी पूंजीवादी जो अमेरिका उसके सहयोगी थे, और जो समाजवादी थे जो सोवियत संघ और उसके सहयोग थे, इनके बीच जो है वैचारिक दुश्मनी थी, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। और इसका ये भी कहा जाता है कि पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव और महाशक्तियों के बीच तनाव, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर ऑब्वियसली उस समय महाशक्तियां थी और आज भी हैं, तो इसलिए ही तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ईयर द रशियन रिवॉल्यूशन अकर्ड, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर 1905, ऑप्शन नंबर 2 1911, ऑप्शन नंबर 3 1917, या फिर ऑप्शन 4 1929। एसएससी एमटीएस 2014 का एक क्वेश्चन है, और देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत देखे हैं कि 2013-14 में वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लीज इस टॉपिक को आप जरूर कवर कीजिएगा, क्वेश्चन ही कवर कर लीजिए उसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1917 में हुई थी, और इसमें हुआ क्या था कि जो इनके जो वॉलंटरी रूलर्स थे ना उनको हटाया गया था, जो जार जो वहाँ के राजा हो उनकी जो स्वेच्छाधारी शासन को है उनका अंत किया गया था, और जो है रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था वो दो हिस्सों में हुआ था, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति जो मार्च 1917 में हुई थी, इनमें जो है जो सम्राट है उनको पद त्याग करने के लिए विवश करना पड़ा था, और जो है स्थायी सरकार बनी थी। और अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ था, जो स्थायी सरकार थी उसको हटा के बोलशेविक सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बोस्टन चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है। यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वार सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल होना, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिकन सिविल वॉर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर। तो बोस्टन पार्टी इन सबसे किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर से, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था बोस्टन पार्टी में कि ये जो घटना हुई थी ये अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान जो 16 दिसंबर 1773 में घटित हुई थी। क्या हुआ था कि इसमें जो अमेरिकी ब्रिटिश अमेरिका ने चाय अधिनियम पास किया था जिसमें जो है चाय पे टैक्स लगाया गया था, ठीक है। अब जो है उपनिवेशियों वासियों ने इसको कई कारणों से इसका विरोध किया था, और क्या हुआ था कि इन्होंने विरोध दिखाने के लिए क्या किया था ना कि जो जहाज जिसमें चाय वाय आ रही थी उसमें जो है इनको उतारने से मना कर दिया था, और बोस्टन के जो पोर्ट था उसमें इन्होंने क्या किया कि जब वहाँ के जो शाही राज्यपाल थे थॉमस, जो बोस्टन के जो शाही राज्यपाल थॉमस हचिसन थे, उन्होंने जब ब्रिटेन को चाय लौटाने से इनकार कर दिया तो उपनिवेशवासियों ने क्या किया कि उनका जो एक समूह है जहाज पर चढ़ गया, और जितनी भी चाय थी उनको जो है उन्होंने बोस्टन हार्बर यानी कि जो बोस्टन जो पोर्ट था उसमें फेंक कर उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी को बोस्टन चाय पार्टी या फिर बोस्टन टी पार्टी घटना के नाम से अमेरिका में जाना जाता है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों के साथ जिन्होंने जो एसएससी एमटीएस की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड हैं और जो इंडियन हिस्ट्री के हैं वो कवर कर लिए हैं। अब अगली वीडियो सीरीज हम लाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली होगी वो। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।